नमामि धन्वन्तरि मादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं च लोकां दधतं मृतघटम् सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् नमस्कार, आप सभी को मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारी प्रीत का जो 30 तारीख को हमारी एक सेमिनार होने जा रहा है, एक प्रकार से कॉन्फ्रेंस है, हमारा वर्कशॉप है। ये विद्ध कर्म, अग्नि कर्म, मर्म और नाड़ी पर है। तो इससे पहले हमने इस सेशन को कंडक्ट करने का प्लान किया कि हम बताएंगे आपको कि इसमें हम क्या क्या आपको फैसिलिटीज देंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराया है। मैं अनुरोध करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी भी आपके पास, हमने बहुत लिमिटेड सीट्स रखी हैं, इसमें ज्यादा इसमें लोगों को नहीं शामिल कर पाएंगे क्योंकि ये एक वर्कशॉप है जो प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज पर है। आज हमारे साथ में यहाँ पे वैद्य आशीष फड़के सर जुड़े हुए हैं, मैं उनको साथ में लेता हूँ। मैं उनसे पूछूंगा कि सर, ये हमारा जो आज जो 29 तारीख को होने जा रहा है कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में आप सर क्या क्या बताएंगे और क्या क्या फायदा होगा हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं इस बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। जी सर, आप क्या सर आप विद्ध और अग्नि कर्म में क्या बताएंगे और क्या क्या लोगों को फायदा होगा, क्यों आपको जुड़ना चाहिए? और ये सर बहुत बड़ा आपके लिए अवसर है कि हमारे साथ में आशीष फड़के सर जो हैं वो नवी मुंबई से यहाँ आ रहे हैं। वो MD हैं, PhD हैं और अपना व्यस्ततम समय निकाल के आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में जो है लोग सिखाने वाले नहीं मिलते, पर हम इस बात को नहीं मानते हैं क्योंकि हम बताएंगे कि वो आपके लिए ही आ रहे हैं यहाँ पे। और आप निश्चित रूप से इसको, जो उत्तराखंड के आसपास के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, हरिद्वार के हैं, हमारे दिल्ली के हैं, आप अभी भी चाहें तो आके आप जुड़ सकते हैं। MKP कॉलेज जो है वो देहरादून में सेंट्रली है। ये जब आप देहरादून आएंगे तो देहरादून में आपको सीधे सीधे जो दून अस्पताल है पुराना, उसी की लाइन में, पुराना दून अस्पताल सब जानते हैं, वहां पर ही MKP बहुत पुराना कॉलेज है, इंटर कॉलेज, उसके हॉल में ये कार्यक्रम हो रहा है। आप आ सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क भी हमने बहुत मिनिमम रखा है, 1500 रुपये मात्र है, जिसमें आपको इतनी नॉलेज मिल रही है। साथ साथ में यदि आप इसके साथ में आप चाहते हैं कि आप अग्नि कर्म करें तो अग्नि कर्म की सलाह का अगर आप चाहते हैं तो वो वैद्य आशीष फड़के जी को आप बता सकते हैं। वो आपको QR कोड देंगे, वो आप अगर प्री ऑर्डर देंगे तो ही वो आपको मिल पाएगा, नहीं तो आपको फिर उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो हमारे साथ में अभी बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो जो लोग ज्वाइन, तो थोड़ा सा मैं आशीष फड़के सर, आप थोड़ा सा ये बताइए सर कि विद्ध और अग्नि कर्म क्या है और क्यों इसको सीखना चाहिए। सबसे प्रथम सबको नमस्कार। अग्निकर्मा, विद्ध कर्मा, ये शब्द हम लोग जानते हैं फर्स्ट ईयर से, है ना। अपना फर्स्ट ईयर में अष्टांग संग्रह हुआ करता था, हम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे तभी। अभी नए स्टूडेंट को अष्टांग हृदय के बारे में चर्चा होती है, बट जो भी है, अष्टांग हृदय हो या संग्रह हो, सूत्रस्थान की जब पढ़ाई होती थी तो उसमें अध्याय के स्वरूप में अग्निकर्म, अध्याय के स्वरूप में विद्या कर्म, इसकी
चर्चा होती थी, उससे हमें सामने सामने उसके बारे में कुछ चीज मिलती थी फर्स्ट ईयर में इटसेल्फ। बट देन वो क्या होता था कि भाई हम लोग ये पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं, पास हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, बीए में सोता है, फाइनल में आ जाते हैं। जैसे आप देखते हो फाइनल में हम शल्यकर्मा में ये वापस चीजें सामने आती है, जैसे मर्म के पॉइंट्स की चर्चा हम लोग स्टार्टिंग में शरीर में करते हैं, फिर भूल जाते हैं बीच के कई सालों में, भूल जाते हैं और बाद में वापस से सामने आता है। जैसे हम शल्यकर्मा में देखते हैं तभी वापस मर्मों की चर्चा होती है और बाद में वो भी भूल जाते हैं। कहीं हमें फिर जोशी सर मिलते हैं या नवीन सर मिलते हैं, फिर वापस हम लोग उसके तरफ मुड़ जाते हैं कि भाई अरे हाँ ये चीज हमने पढ़ी है, तो क्या इसका रियल में यूज होता है कि नहीं होता है। और जब देखते हैं कि वाकई इसका यूज होता है तो हम उस चीज से स्टिमुलेट होते हैं एंड वो चीज सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसी बात ये अग्नि एंड विद्यकर्म के बारे में भी हमने देखी कि ये चीज फाइनल में भी आती है, खास करके शल्य में आती है एंड महाराष्ट्र में लकीली एक ऐसा चलन है कि अग्निकर्म करने वाले कई सारे वृद्ध वैद्य संप्रदाय है। तो कई सारे वृद्ध वैद्य जो अग्निकर्म कराते हैं, लोह की शलाका से कराते हैं, सुवर्ण की शलाका से कराते हैं, ताम्र की शलाका से कराते हैं, अलग अलग शलाका से ये अग्निकर्म का प्रयोग वहां भी होता है। मगर सभी में जो कॉमन चीजें हमने देखी हमारे विद्यार्थी दशा में या बाद में भी, कि बहुत बार आपने शलाका ले ली, जैसे शलाका समझ लो तो शलाका का एक सिरा जो नुकीला है वो आप गर्म करते हो कोई गैस के ऊपर या कोई दिए के ऊपर, एंड ये नुकीला और गर्म जो तप्त पार्ट है वो डायरेक्टली अपन पेशेंट को लगा देते हैं। तो ये जो पार्ट है इसे कहते अग्निकर्मा डायरेक्ट मेथड, अग्निकर्मा डायरेक्ट मेथड। या स्कंद ग्रह हुआ है किसी को, आपने शलाका गर्म की, उससे बात करते करते तुरंत इधर चटका दिया, तो चटका देने की जो कॉमन विधि है इसको महाराष्ट्र में कहा जाता है कई बार अग्निकर्मा। और वो गलत भी नहीं, वो सही भी है, मगर देर इज येट अनदर मेथड विच वॉज डेवलप इन बिटवीन लास्ट टू लास्ट डिकेट, उससे भी पहले, मतलब अभी 2 डिकेट की बात नहीं कर रहा, रादर 40 साल 50 साल के करीबन आगे पीछे पूना में जो तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय जो कि फेमस है, वहाँ शल्य तंत्र के जो विभागाध्यक्ष थे पहले पूर्व, हाँ उनका नाम है डॉक्टर आरबी गोप्टे सर, आरबी गोप्टे। तो आरबी गोप्टे सर जो थे उन्होंने और उनके साथ में और कई लोग उनके जो समकालीन थे, उन्होंने अपने दृष्टि से ग्रंथ तो पढ़ के ग्रंथों का निचोड़ लेके कुछ मर्मों के पॉइंट की चर्चा ग्रंथों में आई है, सुश्रुत में आई है खास करके, एंड पर्टिकुलर डिसीज के लिए पर्टिकुलर पॉइंट्स की चर्चा ग्रंथ में पाई जाती है। वहां भी कुछ एक जगह में उन्होंने देखा कि अगर हम अग्नि कर्मा सुवर्ण शलाका से करें तो सुवर्ण की शलाका जो ग्रंथों में वर्णन है उसके अनुसार बना करके उसका एक सिरे में गोलाई रहे ऐसी और दूसरी दंडात्मक शलाका रहेगी और पतली रहती है, तो पेन है मेरे हाथ में अभी, तो वो शलाका को लेते हुए अगर हम इनडायरेक्ट मेथड से उसको गर्म करें, इनडायरेक्ट मतलब क्या, तो ये बीच में मैंने इसको पकड़ लिया मॉस्किटो से, मॉस्किटो फोर्सेप जो होता है, और इस तरफ में वो गर्म की जाए और यहाँ धीरे 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 तपते हुए इधर टेम्परेचर बढ़ते जाता है, और जैसे मेरे हाथ में हमने दिया है कहीं, तो पेशेंट को जब हम ये लगाते हैं और यहाँ से गर्म करना चालू करते हैं मोमबत्ती से, तो उनको पूछते हैं भाई यहाँ गर्म हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, जिस समय वो गर्म होता है वो पॉइंट, तब वो पॉइंट हम लोग चेंज करते हैं अगले पॉइंट में जाते हैं। तो इस विधि से जब भी हम अग्निकर्म कराते हैं लोगों को तो वहां उनको ना कोई दाग पड़ता है, ना वहां विद्ध होता है, ना वहां अग्नि दग्ध होता है बेसिकली, ना वहां फफोला आता है, कुछ नहीं होता है। एंड पेशेंट के मन में दिल में जो डर रहता है कि अरे बाप रे अग्निकर्म कराने वाले मतलब मुझे जोरदार झटका बैठेगा, जोरदार जलेगा उधर, तो वो सब चीजें नहीं होती है।
आमतौर पे जो अग्निकर्मों में हम देखते हैं कि जो गरम सीरा करके डायरेक्ट लगाते हैं तो वहां दग्ध होता है, और वहां दग्ध कर्म मतलब उसका जो वर्ण कर्म है वो रोजाना बाद में करना पड़ता है लोगों को, है ना। तो ये चीज भी ये पर्टिकुलर मेथड में बिल्कुल नहीं दिखती है। तो ऐसा ये जो विधि है बहुत लाभप्रद है और आसान भी है, अगर सीखे प्रॉपरली तो आसान भी है। कई लोगों के पास अग्निकर्म की उनकी अपनी विधि है, जैसे वो बोलते हैं कि जहाँ सबसे दर्द है वही पॉइंट पे आप छलका से दग्ध करो, या कोई लोग वहाँ सुई भी चुबाते हैं और बाद में उसमें दग्ध भी कराते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग करते हैं और करने वाले हैं वैद्य संप्रदाय। मगर अगर हम सुश्रुत को फॉलो करें तो सुश्रुत के संहिता के अंदर अलग-अलग व्याधियों में जो वर्णन पाया गया है वो वर्णन को ध्यान में रखते हुए हमारे जो गुरुजी थे जो कि अब नहीं रहे, गुप्ते सर जो थे, उन्होंने बहुत सरलता से इसका एक कोडिफाइड अभ्यास तैयार किया और अपने शिष्यों को पढ़ाया। एंड बीइंग वन ऑफ हिज डिसाइपल, वन ऑफ हिज शिष्य, मैं समझता हूँ कि ये जो प्रक्रिया है ये बहुत सारे लोगों को पता होनी चाहिए, ये लोग सीखने चाहिए और इससे आगे अपने प्रैक्टिस में उसका उपयोग करना चाहिए। तो इसलिए ये सेमिनार का या ये वर्कशॉप का विचार दिमाग में है। मुंबई के अंदर मेरे वाशी के क्लिनिक में ही मैंने कम से कम अभी तक नहीं नहीं बोले तो भी मोर देन 100 लोगों को ये पढ़ाया। मगर क्या होता है, आप कहेंगे अरे ये तो हमने ये फलाना कॉन्फ्रेंस में सुना है, ये फलाना फ्री वेबिनार चलता है उसमें देखा है। तो आप ध्यान रखिए ये वर्कशॉप है और यहाँ आपको जानना है कि ये शलाका कितनी मात्रा में उसको टच करनी है, कितनी जोर से करनी है, नहीं करनी है। तो वो जो बात है वो बात हम जब हजारों की संख्या में बैठ के देखते हैं स्टेज के ऊपर कोई व्यक्ति कर रहा है तो बहुत अच्छा लगता है, ताली बजाते हैं, हम मन में ठान भी लेते हैं कि ये आज घर में जाके हम लोग भी करें। मगर इसमें दो दुविधा आती है, एक तो ये कि वो जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई ये पर्टिकुलर पॉइंट को कैसा ढूंढा जाए, कि ये मर्म को कैसे जाने, तो वो चीज नहीं इसमें हो पाती है क्योंकि संख्या बहुत रहती है विद्यार्थियों की या पार्टिसिपेंट्स की। वो जो व्यक्ति वहां आके पढ़ाने वाले वो भी हमारे गुरुकुल से ही है, हमारे ही सर के डिसाइपल भी है कई, उनमें अच्छा ही पढ़ाते हैं सब लोग। मगर अगर आप कम मात्रा में एक साथ पेशेंट के ऊपर देखते हो तो उसका जो परिणाम है वो आप कुछ अलग तरीके से महसूस करेंगे। दूसरा, अग्निकर्म के साथ साथ ही देर इज अनदर मेथड नोन एज विद्ध कर्म। तो विद्ध कर्म में क्या होता है, अपनी जो 22-24 नंबर के नीडल होती है वो नीडल को लेते हैं और यही अलग अलग पॉइंट्स की चर्चा अलग अलग डिसीज के परिप्रेक्ष्य में होगी। तो वहाँ वो सुई असेप्टिक टेक्निक लेके आप स्प्रेड वगैरह लगा लीजिए एंड बाद में चुभाते हैं, मगर वो चुभाने की विधि भी अलग है कि किस प्रकार से आपको चुभानी है, फिर हमारे सामने आपको करने के लिए बताएंगे, फिर आगे जाके पता चलेगा कि भाई कितनी जोर से, कितने समय में, कितने जगह पे वो करनी है। तो वो विद्य कर्म है, कई जगह विद्य कर्म और अग्निकर्म साथ साथ भी किया जाता है, पहले विद्य करते हैं बाद में अग्निकर्म का प्रयोग होता है। तो ये जो सब प्रक्रिया है, ये सब प्रक्रिया हमें सीखना है अगर, तो ये 29 तारीख का जो वर्कशॉप है दैट विल बी गुड। लकीली उस दिन नाड़ी परीक्षा और मर्म चिकित्सा का भी समायोजन नवीन सर के हेल्प से हम लोग करने जा रहे हैं, ताकि जो लोगों को मर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है तो उनको ये पता नहीं चले भाई अरे बाप रे इंद्रावस्थि अभी कहाँ मैं फर्स्ट ईयर की किताब खोलूँ, है ना, या क्षिप्र मर्म कहाँ जाके ढूंढूँ। तो वो भी बात नहीं, क्योंकि मर्म के जो मर्मज्ञ है जिन्होंने मर्म के ऊपर कई सारे वर्कशॉप्स लिए न कि इंडिया में बल्कि आउट ऑफ इंडिया एज वेल, तो वो साक्षात हमारे साथ है। और हम आपको कुछ हस्तलिखित ही है, ऐसे कोई बहुत टाइप बीप की हुई नोट नहीं है, बट एकदम कंसाइज क्लिनिकल नोट्स है कि अगर वो आप आपके सम्मुख रखे और सर और मैं दोनों हम दोनों रहेंगे वो पूरे वर्कशॉप के दरम्यान, पहले हम लोग थोड़ी थियरी मतलब एकदम कंसाइज थियरी की चर्चा होगी एंड बाद में पोस्ट लंच
मैं कहूंगा आप सभी लोग जो भी रजिस्टर करके इस वर्कशॉप में सम्मिलित होना चाहते हैं या सम्मिलित हो गए, ऑलरेडी रजिस्टर किया है जिन्होंने, वो अपने साथ कम से कम 2 या 3 पेशेंट को ले आए। और कौन से पेशेंट, तो मैंने अपने जो सर ने जो क्या बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए, वो दोनों ग्रुप में मैंने वो लिस्ट डाल दिए, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी। हर ऑल्टरनेट बंदे को आपको पता है घुटने की दर्द है, हाँ, बाद में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, स्कंदग्रा है, हाँ, फ्रोजन शोल्डर है, टेनिस एल्बो है, देन कार्पल टनल सिंड्रोम है, ट्रिगर फिंगर है, कितने सारे लोगों ट्रिगर फिंगर का भी शिकायत रहता है, वो वाले है, माइग्रेन है, आँख के प्रॉब्लम वाले कोई बंदे है, प्लांटर फेसाइटिस है, अभी आजकल डायबिटीज बहुत चल रहा है जोर शोर में, तो प्लांटर फेसाइटिस के बहुत रुग्ण दिखाई देते हैं मुंबई में, आई एम श्योर यहाँ भी आप देखते रहेंगे। बाद में कैलकेलियंस पर है, जैसे सुबह उठते हैं तो एकदम से पाँव रख नहीं पाता है बंदा, तो कैलकेलियंस पर है, वातकंटक जिसे हम कहते हैं, ऐसे कई सारे इंडिकेशंस के लिए वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ मोडालिटीज, मतलब एक तो अग्निकर्म या तो विद्धकर्म, हाँ, और अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज सॉलिटरली मर्म चिकित्सा। तो वो तीसरी, और ये तीनों का निचोड़ उस दिन हमें मिलने जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप रजिस्टर कर चुके हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं कर पाए तो हो सकता है कल तक, या पता नहीं मुझे, क्योंकि नवीन सर जी देख रहे हैं ये बंद हो जाएगी लाइन, तो बाद में आप चाहते हुए भी उसमें ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। सेकेंडली आई वुड प्ली फॉर ऑल ऑफ यू कि भाई ये अगर हम करने जा रहे हैं, अटेंड करने जा रहे हैं, और हमारे पास अगर स्वर्ण शलाका नहीं है, तो आप लोग तो देख पाएंगे वहां, आपको दिखाई भी देंगे, आपको चांस भी देंगे, भाई ये हमारे पास की स्वर्ण शलाका है, ले लो हमारे सम्मुख ये कर लो, मगर जब घर निकल रहे हो तो आपके हाथ में स्वर्ण शलाका नहीं रहेगी। और कल आप आपके क्लिनिक में पेशेंट को देखने जा रहे हो, तो अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे आप ये सीखे हैं करने की विधि, तो इसका लाभ आप उचित मात्रा में नहीं ले पाएंगे। फिर कोई लोग क्या करते हैं, फिर लोह शलाका से ट्राई करते हैं, कोई ताम्र से करते हैं, एंड फिर फफोला आता है, फिर घबर जाते हैं, फिर बोलते हैं सर ये तो बहुत अघोरी चिकित्सा है, हम नहीं करना चाहते, हम तो सीखे आपने बताया, कुछ नहीं होता है। मगर ये ध्यान में रखिए कि ये वो पर्टिकुलर शलाका यूज करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इस प्रकार की स्वर्ण शलाका जो हम लोग दिखाएंगे सिखाने के टाइम आप लेना चाहो, तो आपको योर शलाका का बुकिंग आज ही करना होगा, ताकि मैं मुंबई से एक्चुअली कल निकल रहा हूँ, मैं और कई कारणवश आगे जा रहा हूँ, तो बाद में आपने 4 दिन बाद कहा कि सर मुझे चाहिए, तो ये संभव नहीं होगा। तो आज आप ही बताइए, आज के दिन ही बताइए कि नहीं नहीं हमको आज चाहिए। यू जस्ट स्कैन दी QR कोड जो हमने डाला है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, एंड आप आपका नाम बुक करें, अमाउंट ट्रांसफर करें, आपका जो ट्रांजेक्शन का जो फोटो है वो हमें भेज दें, मुझे और नवीन सर जी को, दोनों को, विथ योर नेम। तो क्या होगा उस दिन आने के टाइम मेरे पास नंबर रहेगा, भाई इतने फलाना लोगों ने शलाका बुक की है, तो उतना ही नंबर का शलाका मैं ले आ सकता हूँ। अभी ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी शलाका है, आप बोल तो रहे सुवर्ण शलाका है, सुवर्ण की वाकई है क्या, तो आपको मैं क्लियर क्लियर बता रहा हूँ, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। आज सोने का भाव है 59,000 करीबन, 58 to 60 के बीच में वो मुंह होता है, तो अगर 10 ग्राम की है ना, तो अगर आपको पूरी पूरी सोने की शलाका बनानी है तो उसका जाता है कॉस्ट अराउंड 15,000 ऑनवर्ड्स आज की तारीख में। तो इतना तो पैसा कोई बंदा नहीं डालेगा, इवन मैं भी नहीं डालता अगर मैं फर्स्ट टाइम सीखता तो। मेरे पास जो शलाका है वो पूरी सोने की है, क्योंकि हमको सर के समय हमने सीख लिया, और तभी भाव भी कम था और बना भी ली, तभी भी ज्यादा ही था, बट सर ने बताया कि भाई आज बना लो तो आगे जाके आपको फायदा होगा, एंड वाकई में ये फायदा दिख रहा है हमें, है ना। तो आज अभी हम लोग क्या करें, गत कुछ साल से क्या करें कि जो टेप है उसका वो पूरा सोने का है, और अंदर वाली जो शलाका है उसमें पंचलो है, मगर ज्यादा से ज्यादा इसमें चांदी और नीचो नीच सोना है। ओके, तो ये जो कंडक्शन की विधि है, ये विधि हम कंट्रोल करके बनाइए। अदरवाइज क्या होता है, अगर आपने तांबा ज्यादा डाल दिया और लोह ज्यादा डाल दिया तो झटके में गर्म हो जाती है और पेशेंट को तकलीफ होने की संभावना रहती है। तो ये शलाका हम लोग ने बना के रेडी की है, उसका डाई रेडी है,
बंदे ने वो बना के रखा है। तो इफ यू विश टू यू नो टेक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये मुंबई में अभी आगे बनाऊं और वापस दूं तो इसका रेट बढ़ता ही जाता है। अभी हम लोग ने ये अभी 2 में रखी है, केवल 2,000, विच इज वेरी रिजनेबल प्राइस। आप आपके 3-4 पेशेंट कर लो तो आपका कॉस्ट भी इसमें वसूल आ जाएगा, मगर आपकी इच्छा है। अगर आप चाहो तो आप ये परचेस कर सकते हो, आप ये बुक कर सकते हो एंड इसका लाभ उठा सकते हो। इसके उपरांत अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, हाँ, और एक चीज, जो भी लोग आएंगे कृपया आते समय ये ले आइए अपना मॉस्किटो फोरसेप। सभी को पता है मॉस्किटो फोरसेप, तो अपना खुद का मॉस्किटो फोरसेप एक ले आइए, साथ में 22 या 24 नंबर की निडल जो कोई भी नॉर्मल केमिस्ट के पास मिलती है, वो एक 5-6 निडल या 10 निडल का एक लंबा स्टिक, बहुत कम अमाउंट में वो भी मिलता है, वो भी आपके साथ रखे। अगर हमें ऐसे व्यक्ति मिले कि जो विद्यकर्मा करने के लिए अलाउ करने वाले, तो वी कैन डू दैट। एंड शलाका जिन्होंने खरीदी है उनके पास शलाका भी रहेगी, तो हम ये कार्य करने जाएंगे। आमतौर पे कहीं जगह में दिखाते हैं भाई ग्लोव चाहिए, मास्क चाहिए, एप्रन डाल के काम करो, ठीक है, करना है आप कर सकते हो, मगर मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही देखो। हाँ, मास्क आप लगाना चाहो क्योंकि नजदीक जाना पड़ता है, आप रुग्ण के नजदीक जाते हो, तो आपने मास्क लगा रखा है, बहुत बढ़िया। इफ समवन यंगस्टर्स दे वांट टू वेयर एप्रन, वाइट वाइट कोट, नो प्रॉब्लम। हाँ, बट ये जो ग्लोव्स है वो ग्लोव्स के लिए थोड़ा मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। यूजुअली इंस्टीट्यूशन में काम करने के समय इट इज कंपलसरी आप स्टरलाइज करो हाथ स्पिरिट से या यू नो सेवलॉन से, फिर ग्लोव्स डालो और फिर उसे पकड़ो। मगर जब ग्लोव से आप पकड़ के काम करते हो और खाली हाथ से करते हो, आपको डिफरेंस पता चलेगा, आप इधर वे से कर सकते हो। तो ये आपको करना है। आपको साथ में एक छोटी नोटबुक लानी है कि जिसपे आप नोट ले सको। मैं हमारे पास से एक यू नो नोट्स का एक छोटा सा कंपाइलेशन दे रहा हूँ, तो उसमें वाइट पेजेस भी है और लिखे हुए पेजेस है, तो वहां भी आप लिख सकते हो। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि नोटबुक लाना ही लाना है, बट लेके आए तो बहुत बढ़िया। तो इसके अलावा अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है, हाँ, और जो बंदों को खून देख के डर लगता है, खून देख के चक्कर आती है ना, तो ऐसे लोग कृपया साथ में आने के टाइम ही खाना पीना खा के आए। हाँ, हम लोग तो खिलाएंगे वहां, बट आप भी खा के आए, एकदम खाली पेट आएंगे तो चक्कर वगैरह आने की संभावना रहती है। तो आई डोंट थिंक दिस पीपल विल कम फर्स्ट ऑफ ऑल, बट अगर है कोई तो अपना ख्याल करें। हमारे तो साथ में यहाँ पे इस जो इस कार्यक्रम को जो है सहयोग दे रही हैं आदि बद्री जो है रिसर्च सेंटर डॉक्टर अंकिता नौटियाल जी भी जुड़ गई हैं जो इस कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर भी हैं। नमस्ते। अंकिता जी आपको नमस्कार। अंकिता जी आप जो है अपने हॉस्पिटल से कैसे कैसे मरीज आपको लाने हैं ये अभी बताया है यहाँ पे चैट बॉक्स में। तो मेरी आवाज आ रही है अंकिता जी? अंकिता जी जो है अजय चमोला जी हैं हमारे साथ, ये भी सहयोगी हैं। तो मैं फ्रोजन शोल्डर के, जॉइंट पेन के, और सर ने जो भी लिखा है वो चैट बॉक्स में भी है, ग्रुप में भी है। तो ऐसे ऐसे प्रत्येक लोग दो दो पेशेंट भी लेके आएंगे। हम चाहते हैं कि वैद्य लोग अच्छे से सीखें, और हमारे साथ में डॉक्टर अजय चमोला जी भी जुड़े हुए हैं, ये भी इस कार्यक्रम में सहयोगी हैं इनके ही, और डॉक्टर जो अभी अंकिता जी हैं इन दोनों के सहयोग से ये कार्यक्रम जो है इस रूप में आया है। नहीं तो बहुत कम समय था हमारे पास, हमने बहुत इसका प्रोपेगेशन भी नहीं किया। ये सही बात है। मैं बीच में फेस्टिवल सीजन भी आ गया और फिर बीच में थोड़ा सा मैं भी बाहर रहा, लेकिन फिर भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और अभी बहुत सारे लोग लोकल भी हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं इसको सीखने के लिए। तो अंकिता जी आपको मेरी आवाज आ रही है? अंकिता जी आप कोऑर्डिनेटर हैं इस कार्यक्रम की, बताएंगे आप? अंकिता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अंकिता जी हैं, विनीता जी हैं, विनीता जी ने तो शायद सलाका मंगवा भी ली है ना, सीखने का मौका है, बहुत बढ़िया। और आपको बिल्कुल इसमें अच्छे से सिखाया जाएगा। इससे पहले भी आपको पता है कि हमने विद अग्निकर्म का एक वर्कशॉप किया था जिसमें वैद्य उदय कुलकर्णी जी थे, उनकी मैडम आई थी, वो यहाँ अभी भी सेशन में जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग उत्तराखंड आते हैं वो हमसे संपर्क करते हैं और यहाँ लोगों को, वैद्यों को सिखाना चाहते हैं। तो इनको सैल्यूट करना चाहिए, इन सभी लोगों को, कि ये लोग जो है वो इस प्रकार से आपको ज्ञान आकर के देते हैं, ये जो विधा है इसको प्रचारित और प्रसारित करते हैं। तो इस अवसर को गंवाइए बिल्कुल मत। बहुत ही नॉमिनल, हमने शुल्क भी बहुत नॉमिनल रखा है, कुछ भी नहीं है ये। अगर आप कहेंगे तो आजकल जो है किसी हॉल का किराया ही इतना ज्यादा होता है
हमने केवल मात्र 1500 रुपये रखे हैं। मैं आपको जो है वो मैं आप आपको बताऊं, मुंबई में जी ऑनलाइन, ये तो अपन ऑफलाइन और इन पर्सन करने जा रहे हैं, पर हमने कई जगह देखा है ऑनलाइन आपको खाली दिखाएंगे डेमोन्स्ट्रेशन और छः जी छः आठ आठ हजार तक का चार्जेस लेते हैं, नहीं तो नहीं तो हमने बहुत इसको जो ज्यादा है ये, है अपना कि बहुत ज्यादा वो कारण ही नहीं है, वो अपनी हाँ उद्देश्य भी नहीं है, अपना उद्देश्य ये उद्देश्य कि ये ये नहीं है, प्रोपगेट हो जाए, अपना उद्देश्य हाँ प्रोपेगेशन। देखिए प्रोपोगेशन हो सर, जाए और अंकिता नौटियाल जी ने ऑथेंटिक अभी ऑथेंटिक नॉलेज पहुंचे ये जो अंकिता लोगों के नौटियाल जी ने चैट आधारित बॉक्स है। में बिल्कुल लिख दिया 11 पेशेंट आएंगे, बहुत तो 11 पेशेंट तो सर यहाँ कंफर्म हो गए। बढ़िया तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 11 पेशेंट खाली हम चाहते हैं कि लोग आप जो है सर के साथ बैठ के जो है ये जो है खाली मैडम आप आपको एक मैं बात बताऊं कि पेशेंट को ना एक साथ बुलाने की जगह उनको आप टाइम दीजिए, मतलब अपना प्रोग्राम सर हम कितने बजे चालू करने वाले हैं वहाँ हम सर अब। 9 बजे से स्टार्ट कर देंगे, भले हाँ आप 11 बजे से स्टार्ट करें, तो एक डेढ़ घंटा पहले थोड़ा सा मैं इनको पॉइंट्स बता दूंगा मर्म के, ओके और ओके फिर आप जो है अपना अगली कार नहीं बता मतलब दूंगा। आई आई विश टू नो कि भाई अपना ब्रेक कभी होगा अपना ब्रेक जो है वो बीच में लंच का होगा, कितने बजे होगा वो बीस अराउंड पच्चीस मिनट का होगा, एक 1:30 बजे होगा, 1-1.5 बजे ना, तो डेढ़ 1:30 बजे बजे के होगा, बाद में पेशेंट को बुलाएंगे, हाँ 1:30 बजे 1:30 बजे के होगा। बाद में आप अपॉइंटमेंट दे देना कि वो समय में वो आए तो ना भीड़ नहीं होगी और बहुत स्मूथली कंडक्शन होगा, क्योंकि पहले कैसा है कुछ एक पेशेंट को हम लोग डेमो कराएंगे दिखाएंगे सबको और बाद में जो पेशेंट आते जाएंगे उनके ऊपर काम कराने वाले, तो तो हमने इसीलिए यहाँ पे जो है डेलीगेट्स को भी लिमिटेड रखा है, ताकि जो है जो लोग हैं हमारे साथ, जो वैद्य हैं, जो डॉक्टर हैं, जो आ रहे हैं बाहर से, वो काम करें, सीखें, वो साथ में जुड़ के सीखें और अपनी प्रैक्टिस में, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस अग्निकर्म को समाविष्ट करें। ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। अच्छा डॉक्टर अंकिता जी और एक सजेशन दूंगा कि आप अगर कोऑर्डिनेटर हो तो आप जो बाकी भी डेलीगेट से अगर आपने 11 रुग्णों को बुलाया है तो ऐसे और मैं चाहता हूँ जो वहाँ रहने वाले डेहराडून के इर्द गिर्द में रहने वाले लोग हैं उनको कम से कम एक दो पेशेंट को बुलाना है और आप मैडम से संपर्क करिएगा क्योंकि आप उधर के उधर ही रहने वाले सब हो तो संपर्क हो पाएगा कल परसों में भी। एंड ये रुग्णों की लिस्ट बना लो बाकायदा कि कौन से रुग्ण है, नाम फलाना, मोबाइल नंबर फलाना, और ये उसका टेंटेटिव डायग्नोसिस है कि भाई ऑस्टियोआर्थराइटिस के अपने पास 10 रुग्ण है, ये फ्रोजन शोल्डर के 2-3 है, या ट्रिगर फिंगर के फलाना है, कैल्केनियल्स पर के इतने हैं, तो देन वी कैन डिवाइड देम अप्रोप्रिएटली और आगे बहुत मजा आएगी काम करने में। एंड एक लिस्ट उसका मास्टर लिस्ट नवीन सर के पास भी रखिएगा और एक आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो तो आप आपके पास रखिए, मगर क्या होता है कि कभी कभार हम लोग बुला तो लेते हैं और पेशेंट भूल जाता है तो थोड़ा सा अपने को कॉल करना होता है कि भाई आपको बुलाया, आपको याद है ना आज ही आना है, तो वो लोग बोलते हैं अरे हाँ क्या मुझे लगा अगले संडे आना है तो हाँ, वो बात नहीं रिमाइंडर हो रहा है, तो 29 तारीख आपको रविवार रिमाइंड का करना होगा पेशेंट रिमाइंड को करना है। और उनको ये और बताइए सर कि इसका जी फ्री है उस दिन, अगर यही चीज आप क्लिनिक में जाके कर लेते हैं कहीं तो उसके चार्जेस है, बट जो कि ये पढ़ाने की विधि है, एकेडमिक एक्सरसाइज है, तो पेशेंट के लिए भी विन विन वाली पोजीशन है कि उनको भी फ्री मिलेगा, हम लोग को भी रुग्ण मिलेंगे, हम लोग को सीखने के लिए सिखाने के लिए आसान हो जाएगा। और जी कोई तो अलग ये क्वेश्चंस है तो आप पूछिएगा। डन डन कह दिया उन्होंने। अंकिता नौटियाल जी बहुत स्मार्ट हैं और ये काफी, वेरी इन्होंने नाइस नाड़ी वेरी मर्म नाइस सब सीखा है और बढ़िया बड़ा बड़े बढ़िया अच्छे हैं और ये काफी एक्टिव है। मैंने इनका पंचकर्मा सेंटर बहुत मेरा ही है, बढ़िया समझ लीजिए ये हमारे घर की है, अच्छा ये नॉट जो हमारे साथ में अजय चमोला जी मेरे भाई हुए ये, तो हमारे परिवार की है वो, तो हमने इनका पंचकर्मा सेंटर देखा है, बहुत अच्छा है। आदि बद्री पंचकर्मा सेंटर जाखन में है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। अभी बहुत सारी नई इन्होंने सुविधाएं डेवलप की है और बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे, तो हमारे साथ में ये सहयोगी हैं और आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम हम उजित करते रहेंगे। ये मुंबई भी गए थे, जो एक्सपो हुआ था सर हम आए हाँ थे जी उसमें, हाँ जब जी हाँ उदय कुलकर्णी सर जी का हाँ के हाँ में हमारे साथ में आए थे, हमारे ये एक्टिव टीम के पार्ट हैं ये एक्टिव मेंबर है एक्टिव कुछ मेंबर लोग है जी, तो इसलिए हम इनको कभी छोड़ते नहीं है, इनको हम साथ जोड़ के रखते हैं बिल्कुल और बिल्कुल। हम लोग इसीलिए हम लोग अभी उदय सर का भी ना अभी हमारे ही मित्र है वो आप भी उदय जानते सर हैं यहाँ है, उनका, तो अरे उदय है अरे वाह बढ़िया, तो उनका सर अभी जी आप जरा अगले सा, नवंबर में आप भी उनका जरा अपना प्रोग्राम माइक है, और कैमरा ऑन कीजिए सर, क्योंकि नवंबर एक में सर प्रोग्राम है तो उसका भी जरा बता दीजिए तो सब लोग वहीं बताइए सर जाएं। यहाँ पे काफी लोग जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे लाइव जा रहा है, बाद में यूट्यूब पे भी आएगा,
नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस है और उसमें भी अग्निकर्म विविध प्रकार के उनकी उन्होंने अपने में अलग से एक विधा क्रिएट की है, जिसका उन्होंने यंत्र भी बना लिया है, उसका विद्याग्नि नाम है उनका। और उसके बारे में उन्होंने बहुत सारे जगह पे प्रचार और प्रसार किया और अच्छे ढंग से उसको पढ़ाया भी है ना। तो अगले महीने में नवंबर में वो उसकी भी कॉन्फ्रेंस होना है। आई थिंक डॉक्टर उदय इज देयर, ही कैन जी, डॉक्टर कॉम साहब, दैट। उदय उदय सर जी, आपका स्वागत है, वेलकम, बहुत बहुत। स्वागत है। और आप जो है, आप भी सर हमारे साथ में, ये मैंने आपको भी जोड़ दिया है। तो अभी ये देहरादून में एक्चुअली ये जो विद्याग्निकर्म है, शुरुआत तो का क्रेडिट सर को ही जाता है। और फड़के साहब से जो मेरी मुलाकात हुई थी वो एक्सपो में ही हुई थी, उनके उनके ही और थ्रू हुई थी। उनके इशू बिल्कुल हुई थी। बिल्कुल, और दूसरा था कि सर यहाँ घूमने आ रहे थे उत्तराखंड में, तो मैं उस वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं उस वक्त बेड रिडन था। तो उस वक्त मैंने फिर भी कहा कि ठीक है सर, मैं देखता हूँ, आई विल ट्राई। मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं शायद इस प्रोग्राम को कर पाऊंगा। मैं फिर भी मैं हैट्स ऑफ कहता हूँ डॉक्टर अजय चमोला जी को और उनकी पत्नी अंकिता नौटियाल जी को, जिन्होंने कहा नहीं नहीं सर, आप करिए, हम साथ देंगे। और बिल्कुल सब कुछ जो है ये मूर्त रूप में आ गया, और भगवान की, ईश्वर की दया से मैं भी इस स्थिति में आ गया कि मैं जो है अब इन सभी चीजों को नॉर्मलाइज रूप में कर पा रहा हूँ। बढ़िया तो सर बढ़िया। आपका स्वागत है, आप भी कुछ बताइए, आपका भी एक विद्ध अगले अग्निकर्म है, बड़ा महीने अच्छा रोल है। कॉन्फ्रेंस के जी बारे जी में बताइए। सबसे पहले तो नवीन जी, हमारे मित्र आशीष जी, आप ये सब ज्ञान इतना दूर दूर तक ले जा रहे हैं, तो उसके लिए पहले तो आपका अभिनंदन और बधाई कि इतनी अच्छी चीजें आप लोगों तक लेके जा रहे हैं। थैंक यू। थोड़ी सी कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि एक ही जगह पे कैसे हो गया है कि कहीं ना कहीं तो लोगों के मन में विश्वास ये है कि आयुर्वेद कुछ कर सकता है, लेकिन उसके साथ में खुद उनको देखने के लिए जैसे चीजें जो देखनी है, तो हमने यहाँ पे एक आगे क्या करना है। आज तक तो हम लोग जो कर रहे हैं वो कुछ अलग अलग, तो अभी इसको स्टैंडर्डाइज रूप से भी आगे लेके जाना है। दूसरी तरफ एक ही जगह पे अगर उनको साथ साथ में 1,000 2,000 पेशेंट्स देखने को मिलेंगे, तो पेशेंट्स भी वहां पे, आप ट्रीटमेंट करने के लिए 100 200 डॉक्टर्स वहां पे आते हैं, एक अलग से माहौल बन जाता है। दूसरी तरफ है कि पेन मैनेजमेंट के केस रजिस्ट्रेशन, जैसे यहाँ पे अजय जी है, तो उन्होंने जो भी केसेस किए तो वो भी प्रेजेंट करने के लिए वहां पे हमने केस स्टडीज का प्रेजेंटेशन के लिए, उसका पोस्टर के लिए एक रिकॉग्निशन अलग से मिल जाता है कि हम लोग ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सुन रहा है। तो ये सब चीजों को जोड़ के अगले 25 26 को हमने बंबई में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। छोटा इसके लिए क्योंकि वर्ल्ड जो अपना आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस रहता है, तो वहां पे ये सब चीजें रहती है बड़े पैमाने पे। तो यहाँ पे हमने 300 से 500 डॉक्टर्स के लिए रखा है कि जिसमें आप अपने खुद के विचार वहां पे रख सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन से अलग अलग पेन मैनेजमेंट की चीजों के, उसके साथ में पेशेंट्स का स्पेशल ख्याल रख के एक बड़ा सा कैंप रखा है। इसमें अभी नवीन जी से मैंने जैसे बात की थी, तो वो भी आने के लिए उन्होंने हाँ कह दी है, तो अपनी पूरी टीम वहां पे रहेगी। लगभग पहले भी हम लोग ये इसे ही बड़ा एक प्रोग्राम कर चुके हैं अपने येरला मेडिकल कॉलेज में। उस वक्त हमने 1,000 पेशेंट्स सिर्फ 6 घंटे में 100 डॉक्टर्स के साथ में मिलके किए थे। तो अभी यहाँ पे हमारी इच्छा है कि ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड जो पहले वाला हमने खुद ही बनाया है सबने, तो उसे इस बार तोड़ने की हमारी कोशिश है। और सबका स्वागत है इसके लिए। और नवीन जी, मुझे यहाँ पे आपने बोलने का मौका दिया, अपना ये प्रोग्राम के लिए, सबसे बात करने के लिए आपने मुझे 2 शब्द जो भी मेरे हैं, हम लोग सब नेपाल में जाते हैं, भूटान में जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं आयुर्वेद को लेके, तो उसका जो भी हमारा ज्ञान यज्ञ है वो अखंड चलता रहे। अभी आशीष जी भी इसमें जुड़ गए, तो मुझे लगता है कि हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे, सब मिलके कुछ अच्छा सा काम करेंगे। आपको शुभकामनाएं आपके अभी अगले संडे के प्रोग्राम के लिए, और आपका स्वागत है बंबई में अगले महीने में हमारे इंस्टा पेन मैनेजमेंट नेशनल कॉन्क्लेव के लिए। बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर उदय सर जी, क्योंकि ये सब हम लोग आयुर्वेद को किसी न किसी रूप में प्रयास करके आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों के पास उत्तराखंड में है, दिल्ली में है, जो यूपी में है, जो आसपास लोग हैं,
जो अभी भी चाहते हैं कि आप जो है इस मौके को बना गवाएं, तो आपके पास ये अवसर है। आप रविवार से कल या परसों तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें, क्योंकि तो हम इसमें हमने इसमें लिमिटेड सीट्स रखी हैं, क्योंकि ये हमारा एक वर्कशॉप है जिसमें हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है आशीष फड़के सर देंगे, इसमें आपको सिखाएंगे इसमें, तो आप इस मौका को ना गंवाइए। आपके पास चल के आ रहे हैं डॉक्टर साहब, और आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, और हमने कुछ सीटें अभी हमने रखी है, यदि आप चाहें तो हम वो आपको उसमें रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं। हमने इसमें लिमिटेड सीट्स रखी थी, क्योंकि हम इसको एक वर्कशॉप की तरह प्लान कर रहे हैं, जिसमें हर वैद्य जो है वो खुद करेगा अग्निकर्म, करेगा साथ में करेगा। अच्छा सर, फड़के सर, कुछ हाँ जी, चीजें और अगर चाहिए इसमें, जैसे कुछ कर्म करने के बाद जो वुंड या स्कार बनता है उसको करने के लिए, तो बता दीजिए, विनीता जी सॉरी अंकिता जी वो रख लेंगी, कुछ और प्रिकॉशनरी नहीं, की वी चीजें विल चाहिए। कीप सर्टन थिंग्स, बट होता ही नहीं है अभी तक के मेरे अनुभव में। किसी को स्कार या किसी को कोई जी दग्ध व्रण होता नहीं है, नहीं बट होता। अपन अपने सहूलियत के लिए वी कैन कीप सर्टन थिंग्स लाइक जातादी घृत है, जातादी तेल है, तो आप रखेंगे। अंकिता जी, जाते हाँ अधिक तेल, जाते अधिक तो ये हमारे पास रहते ही, इसको आप रख बाद लीजिएगा। में घी कुमारी है, मतलब कोरफड घृत जिसको कुमारी, कहते हैं, हाँ उसके उसके एलोवेरा पत्ते जेल है, रखेंगे, है ये रख ना, लीजिएगा। तो ये रख और सकते। दूसरा मैं कहूँ कि अगर कोई हम लोग ले आते हैं तो हम लोग ले आएंगे, तो पार्टिसिपेंट नहीं, वो मिल भी बोल जाएगी, वो सकते मिल हैं क्या कि होता है, एक ये तो जो करते हल्दी करते की स्टिक रहती है, हरिद्रा की स्टिक रहती है, एक तो हल्दी की पाउडर मिलती है और हरिद्रा की स्टिक रहती है, तो हरिद्रा स्टिक से भी अग्निकर्म कराया जा सकता है, मगर वो डायरेक्ट मेथड में जाता है, तो उसका भी एक हाथ रुग्ण को उसका भी प्रत्यक्ष हम दे देंगे, कि जिनके पास शलाका नहीं खरीदी है तो भाई क्या करे। तो ठीक है, आप इस प्रकार से या और कोई उसके ऑल्टरनेट ऑप्शन वी कैन शो, बट इट विल बी ग्रेट कि अगर आप फोटोग्राफी का कोर्स सीखने जा रहे हो, SLR कैमरा कैसे चलाना है, पूरा टेक्निक आपने जी सीख लिया थियोरेटिकली, और आपके हाथ में SLR कैमरा नहीं है, तो आगे जाके वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा का क्या मतलब है ना, तो वैसी वाली चीज हो जाती है। तो आप वो शलाका आपके हाथ में रहे तो सबसे ज्यादा आप उसका प्रयोग कर पाएंगे प्रैक्टिकल दृष्टिया, ये मैं कहना चाहता था। दूसरा, जो विद्यार्थी जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी है, खास करके इंटर्न्स है एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, अगर इनके तरफ भी ये संदेश जाए कि ये ऐसा कोई कार्यक्रम होने जा रहा है और वो इसमें पार्टिसिपेट करे, तो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट पार्ट, क्योंकि ये रिसेप्टिव एज में अगर ये चीज सीखे और उसको प्रयोग में लाने की चेष्टा करे, तो आई थिंक उससे बढ़कर और कोई चीज नहीं होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो लोग दिल्ली के आसपास, यूपी के आसपास हैं, देहरादून आप ट्रेन से आ सकते हैं। देहरादून से लगातार बसें आती है, दिल्ली से भी बसें आती है, लगातार 4 घंटे का सफर है। अगर आप यूपी से आते हैं तो वहां से भी ट्रेन आती है, ट्रेन कनेक्टिविटी है आपको लगभग लगभग हर कैपिटल से, यहाँ फ्लाइट कनेक्टिविटी है। आप जैसे भी हो आप आ सकते हैं। आने के बाद ये मैं फिर से बता दूं, विच सलाका इज बेस्ट, ये पूछ रहे हैं विजय सैनी जी सर आपका। सुवर्ण स्वर्ण शलाका, और सुवर्ण सलाका, शलाका का जो मॉडिफाइड मैंने बताई वो बढ़िया है, क्योंकि उसमें कॉस्ट इफेक्टिव है, पूरी की पूरी सुवर्ण शलाका बहुत कॉस्टली है ना, मैंने तो आपको ना हाँ QR कोड जो है यहाँ पे देखिए चैट बॉक्स में मैंने इसका स्कैन करने के लिए डाल दिया है, आप यहाँ से भी आप स्कैन कर सकते हैं, और आप अगर आप आज या कल तक में इसको स्कैन कर देंगे तो सर इसको साथ में ले आएंगे, तो आपको अच्छा रहेगा, आपके साथ को आपको साथ साथ सलाका भी मिल जाएगी। बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है सुवर्ण सलाका की, आई थिंक 2,000 रुपये है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। नहीं, आप टिप्स सुवर्ण शलाका उसका टिप सुवर्ण का है, अपन बार है बार बता मतलब, रहे हैं, ये नहीं कि भाई कुछ जी बोल के नहीं कुछ नहीं नहीं गलत ये तो गले में आ जाए। अंडरस्टूड है कि हाँ, 2,000 रुपये में आपको पूरा गोल्ड कहाँ से पूरे मिलेगा। गोल्ड का तो बहुत महंगी होती है, जी फिफ्टी जी नाइन वो थाउजेंड फिफ्टी ये एट आपको थाउजेंड गोल्ड का है वो एक सुवर्ण तोला। सलाका, उसका टिप केवल स्वर्ण का है उसमें, बाकी वो चीजें बाकी तो नीचे रजत और बाकी चीजें, बट खास करके सुवर्ण का कोटिंग है बहुत सुंदर दिखने में, मगर आपको बहुत समय तक काम आती है, ये मैं बताऊं। हाँ सर के पास से मिलेगा, नहीं सर लेके आएंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन शुल्क के अलावा आप स्वर्ण सलाका चाहते हैं तो आप उसके लिए अलग से सर को एडवांस पेमेंट करेंगे तो वो लेके आएंगे साथ, क्योंकि वो भी उनको बनवाना पड़ता है, उनका भी हाँ पेमेंट करना पड़ता है, लेके आएंगे, ये भी बड़ी बात है। आपको वही मिल जाएगा सुवर्ण सलाका, तो आप जो है 1,500 रुपये मात्र रजिस्ट्रेशन है, इसमें आपको चाय मिलेगा, इसमें आपको लंच मिलेगा, इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, इसमें आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलेगी,
रहने की व्यवस्था आपने खुद करनी है। देहरादून में सेंट्रली प्लेस्ड है ये, आप वहाँ पे आसपास होटल्स भी हैं, आप आसपास होटल है वहाँ पे किसी में भी रह सकते हैं आप। आपको अगर आप चीपेस्ट एकोमोडेशन चाहते हैं, रेलवे स्टेशन के पास दो धर्मशालाएं भी हैं जो अच्छी हैं, नाम धर्मशाला है पर वो जैन धर्मशाला और अग्रवाल धर्मशाला है, वहां जाके भी आप अपने कमरे बुक कर सकते हैं, उसे 700 रुपये में कमरे मिल जाते हैं। उनको होटल्स में रहना है उसको होटल्स में ले सकते हैं। वो सलाखा सब डिजीज के लिए यूज कर सकते हैं क्या सर के? हाँ जी, ये पूछ रहे हैं विजय सैनी। हाँ तो बिल्कुल 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 सभी में कर सकते हैं, उन्होंने बता दिया आपको। बाकी विशेष रूप से आप आइए और सीखिए, करिए इसको, ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आपको कोई यहाँ भी कदर समस्या, निकालते कौन निकालते उसमें इसका प्रयोग नहीं होता है। कदर के लिए लोह की शलाका होती है, उसकी चर्चा उस दिन करेंगे। बाकी उस दिन आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो उस दिन के लिए भी कुछ बुक रिजर्व रखिए तो आप उस दिन भी देखिएगा और आप सीखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, यहाँ 50 के करीब आसपास लोग जुड़े हुए थे अभी, तो आप सभी के माध्यम से और फेसबुक में ये लाइव जा रहा है। और सर वो पंच धातु है और टिप गोल्ड का है। अब जी, तो ये टिप गोल्ड का है बताया ना अभी सर, बिल्कुल बिल्कुल तो ये अभी जो फेसबुक के माध्यम से जो लोग लाइव देख रहे हैं, यदि आप भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9410379397 94 10 389 379 और 397 इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको लिंक दे दिया जाएगा। वैसे हमारे फेसबुक पेज पर इसका QR कोड और इसकी लिंक डली हुई है, आपका एक फ्री वेबिनार ग्रुप बना हुआ है वहां पर भी सूचनाएं डाली गई हैं। और केवल आपके पास कल तक का समय है, कल के बाद हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप से पहले हमें व्यवस्थाएं भी अरेंज करनी होती है, तो हम इसीलिए आपके पास मौका है, आप कल तक ही इसको आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप ये आपको बताना चाहेगा, मुझे भी मंगवाना है तो आपको पहले वर्कशॉप अटेंड कीजिए और वहां लेके आ रहे हैं, मंगवाना क्या है आप सर लेके आएंगे आप, उसका जो है उन्होंने जो आपको शुल्क बताया है वो जमा कर दीजिए और आप मिल जाएगा वो सैनी साहब, है ना? तो सैनी साहब अब आप बाकी जो है वो 29 तारीख को जब आप आएंगे वर्कशॉप में तो वहां हम बात करेंगे आपको इसके बारे में, है ना? बाकी सारी डिटेल आपको मैंने दे दी है। विनीता चौहान जी यहाँ आ रही हैं, यहाँ पे हमारे साथ में एक बहुत ही अच्छे वैद्य थे, वो शल्य तंत्र के थे पर वो कुछ कारणों से नहीं आ पा रहे हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कराया है कुछ लोगों ने। वनीता शर्मा जी यहाँ हिमाचल से हैं, ये वहाँ पे जिला आयुष आयुष ऑफिसर हैं, बहुत सारे लोग हैं, वंदिता जोशी जी हैं, कल्पेश जी हैं, जो लोग आगे आना चाहते हैं देहरादून घूमने के हिसाब से, मसूरी घूमने के हिसाब से, वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वनिता जी तो हिमाचल में है, वनिता जी आपके बहुत सारे चिकित्सक जो है हिमाचल के, वो बहुत नजदीक है हिमाचल से उत्तराखंड, यहाँ से लगातार बसें चलती है, तो आप 2-4 लोगों को भेज सकती हैं वहां से सीखने के लिए, आपके एडवाइस पे आएंगे आपके जो जूनियर्स हैं, और विद्ध कर्म भी सीखेंगे, अग्निकर्म भी सीखेंगे, और जिन्होंने मर्म का मेरे से ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया है वो मुझसे मिल पाएंगे और वहां पर भी उनको और भी ज्यादा एक्सपोजर देने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारा जो मोटो है वो है सिखाने का, हमारा मोटो इससे कुछ गेन करने का नहीं है आर्थिक, कि हम इसको जो है वो एक प्रकार से नॉन प्रॉफिटेबल एक एकेडमिक नॉलेज ट्रांसफर करने का एक वे मानते हैं। और यस 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 बनीता जी तो बहुत कोविड के समय से जुड़ी हुई है ये, और मैं बताऊं कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया मर्म सीखने के लिए, नाड़ी सीखने के लिए। अमृता जी हैं, निशा जी हैं, लोकेश जी हैं, मुनीश शर्मा जी दिल्ली से हैं यहाँ पे, मैडम अंजना जी हैं यहाँ पे बनारस से, मैडम जी आपका स्वागत है यहाँ पे, ये प्रोफेसर हैं वहाँ पे अरे मैडम संपूर्णानंद में, मैडम का बड़ा अच्छा गायनी में रोल है। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ अजय चमोला जी हैं, तो फिर हैं ही हमारे भाई हैं दिवा शर्मा जी हैं, और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ज्ञानेंद्र सरपाती जी हैं, ये जो है दिल्ली से हैं, उदित कुमार छेत्री जी हैं, ये तो मेडिकल ऑफिसर है यूपी में, आशीष जी को भी जानता हूँ मैं, हेमंत भारद्वाज जी क्या बात कहने हैं, ये तो बहुत बढ़िया प्रवचन देते हैं, और नाड़ी उसके नाड़ी की और ज्योतिष के गुरु हैं। इसी प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ निशा प्रजापति, दिलीप सिंह पवार जी, बहुत सारे लोग, सचिन जी, आप सभी, कल्पेश खैरनार जी, आप सभी का, राजकुमार कश्यप जी, जो लोग जितने लोग भी जुड़ सकते हैं आप आइए, बीबी हरिहर जी, दिवाकर त्रिपाठी जी, कोई सैमसंग के नाम से भी जुड़े हुए हैं, स्वर्ण जगेती जी, मनीषा सिंह जी का भी नाम मैं यहाँ ले पा रहा हूँ, आप सभी का इसमें बहुत बहुत स्वागत है। और चमोला जी की मुलाकात हो जाएगी फड़के साहब से, चमोला जी इससे पहले अभी कुलकर्णी सर से भी मुलाकात हो चुकी है, और अभी बहुत सारे लोगों से, सर आई ऑल्सो लर्न मर्मा फ्रॉम यू, यस यस आई नो आई नो आई नो आई नो, जानते हैं हमारे अधिकांश जो है सिखाए हुए यहाँ पे डॉक्टर लोग हैं,
तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बस उम्मीद करता हूँ कि आप सब हमारे इस वर्कशॉप के लिए अपनी शुभकामनाएं देंगे और हम हमको ये मोटिवेशन रहेगा। हम इस तरह के हम जो है हमारे साथ में जो लोग आते हैं यहाँ देहरादून या ऋषिकेश या मसूरी, सर का सर के सर को मैं हैट्स ऑफ कहता हूँ। ये तो अपने टूर प्रोग्राम में आ रहे थे, तो इनको तो अपना क्या जरूरत था एक टी पेन लेने का। अब आपके लिए अपनी फैमिली को जो यहाँ उन्होंने चंबा के आसपास छोड़ रखा, छोड़ के वो यहाँ आएंगे आपको सिखाने के लिए और फिर वापस जाएंगे, वो भी जरा सा इनको भी इनके लिए भी एक हैट्स ऑफ होना चाहिए ना। और ऐसे जो लोग देहरादून आते हैं, बद्रीनाथ आते हैं, केदारनाथ आते हैं, अगर आप आएंगे सीखने के लिए तभी तो ये बाकी लोग भी इस प्रकार से अपने आप को परस्यू करेंगे। तो मैं यही कहता हूँ कि हमारे इस वर्कशॉप को सफल बनाने में आप सभी का योगदान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जी शुभ संध्या, शुभ रात्रि, प्रणाम। नमस्कार।